अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जवाद, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपको पता है कि मैंने डेली की रूटीन पे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं डेली व्लॉग अपलोड करता हूँ और सुबह टाइम मैंने ट्रैक लगाना होता है। तो आज मेरे साथ मेरा ट्रैक पार्टनर आया है। क्या हाल चाल? तो ये मेरे साथ आया, ये मेरा नेबर है, तो ये मेरे साथ आया ट्रैक लगाने के लिए। कह रहा था कि मैंने आपके साथ ट्रैक लगाना है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मुझे तो पहले को बंदा चाहिए होता जो मेरे साथ ट्रैक लगाए। आज छोटा भाई आया नहीं, वो कह रहा था कि भाई मैंने नहीं आना, वो कल भी मेरे साथ नहीं गया। कल तो मेरे ख्याल मैं गया नहीं, कल चीट डे था, तो इस वजह से आज वो आया नहीं। कहता मैंने नहीं जाना। हाँ कोई नहीं, उधर से इसका मैसेज आ गया। मैंने कहा चलो आपको इन्जॉय कराते हैं आज का ट्रैक। तो कैसा लगा आज का ट्रैक? बेहतरीन, बहुत मज़ा आया। अभी आप जब इनके पुशअप देखेंगे फिर आपको ज़्यादा मज़ा आया। ये बहुत अच्छे पुशअप लगाते हैं। ये मक्खन लगा रहे हैं, आपको बता रहा हूँ, ये मक्खन लगा रहे हैं। चलें घर जाके काउंट करते हैं कि कितने किलोमीटर हैं। चलो चेक करें जवार और पूछ लेते हैं पुशअप जवार कौन किस पे हावी होता है। और ये स्टार्ट होने लगे हैं, एक दो तीन गो। तो अरे भाई साहब ये तो बहुत हैवी ड्राइवर है, तीसरे में पहुंच गए। ये पांच, और ये किसी को नीचे दिया और फिर खड़े हो गए फिर। अरे खुद पॉज में आ लिया, वाह। ये होते हैं पुशअप गाइस, ये देखें इस तरह लगाया करें पुशअप, इस तरह आपका स्टैमिना इंक्रीज होगा। ये चीज मेरे अजीज, ये बस हो गई है और ये बस अपने जान पे खेल के ये लगा रहे हैं और इनकी जान निकाले। ये निकली जान। लो जी, ये जो आशाओं की बस हो चुकी है और ये वीडियो बंद होने लगी है। हाँ जी, तो घर आ गया हूँ, अब चेक करते हैं आज का कितना ट्रैक हुआ है। ये है जी आज का ट्रैक, 7.35 किलोमीटर्स आज का ट्रैक है। तो चलें जी, अब थोड़ी कैलोरीज वगैरह गेन करते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं, फिर उठ के फिर करते हैं जो करना है। गुड मॉर्निंग हो गया बड़ा बड़ा। मैं यार बड़ा सोया हूँ आज, मैं थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, तो वो सर बड़ा दुखने लग गया था, उसकी वजह से मैं तो बड़ी मुश्किल से उठा हूँ। अब ज़ोर टाइम उठा था, तब नमाज़ पढ़ी है, फिर सो गया हूँ, फिर असर टाइम फिर उठा था लेकिन फिर सो गया। अब मैं दोबारा उठाऊँगा, उठ के अब नमाज़ पढ़ के उठाऊँ असर। तो मतलब आज तो अस हो गई थी, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा है। काम शाम हो रहा है थोड़ा बहुत, इलेक्ट्रिशियन का ना वो एक दो बोर्ड थे जो ख़राब थे वो सेट करवाने थे, और ये जो मोटर है ना किसका आपको पता ही होगा जिसका शोर मेरी वीडियोस में आता होता है, था कुछ इशू तो वो आया मैं इलेक्ट्रिशियन वाले भाई, तो वो अब इसको सेट करते हैं, सेट करेंगे फिर आवाज़ नहीं आया करेगी मेरे व्लॉग मेरे व्लॉग्स में आपको। चलें जी, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लगी हुई थी, वो लेके गया है अभी इलेक्ट्रिशियन वाले भाई जो आए हुए थे ना, वो भी लेके गए हैं। वो कह रहे थे कि इसके ना बैरंग होते हैं बीच में, वो छोटे छोटे होते हैं, कहता कि तो इसके वो ख़राब हैं, तो वो कहता मैं नए डाल देता हूँ। वो तो फिर अब दिखाता हूँ किस जगह पे लगी हुई थी मोटर, ये देखिए जी, ये है गार्ड रूम, यहाँ पे लगी हुई थी इस जगह पे, ठीक है। ये पाइप लगाया हुआ है इसके साथ ताकि पानी जो वेस्ट ना हो, क्योंकि पानी आ रहा है वो जो सरकारी पानी होता है तो वो फिर लॉन में छोड़ा हो। चलते हैं, कुछ चीज़ें लेके आनी है बाज़ार से, तो चीज़ें ये वाली चीज़ें ये चलें, सबसे पहले कीस ले लूँ छोटे भाई से फिर चलते हैं।
नट्स वाली आइसक्रीम है ये वाली, अब इसको इंजॉय करते हैं क्योंकि गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा, अब तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो ये खा के तो फिर चलते हैं घर। चले जी, बुक्स वगैरह मैंने ले ली थी, आइसक्रीम अब खा ली अलहमदिल्ला, काफ़ी मज़े की थी, अब आंधी भी काफ़ी आ रही है, तो चले जी चलते हैं घर वापस जल्दी जल्दी, इससे पहले काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाए। आंधी के चक्करों में तेजी तेजी में घर आना था, वो बैठ के लिए मैंने लेना था पूरा, तो अब जल्दी जल्दी से मैं जा रहा हूँ लेने के लिए। चले जी जल्दी कर, नमाज का टाइम हो रहा है मगरब, आ गया था आके नमाज पढ़ी है जल्दी जल्दी से, क्योंकि बैग का बाबा डांट ही ना पड़ जाए। नज़दीक ही था ये लकड़ी वाले से जिनसे मैं लेके आया हूँ पाने के लिए ना, मैं एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ ये मैं किस लिए लेके आया। ये है ये बूर, तो ये मैं लेके आया हूँ पांडे के लिए, क्योंकि मैं ना उसके बाट वाले डब्बे में ना मट्टी यूज़ करता हूँ, वो मट्टी का ये है कि उसका ये साइड इफेक्ट है उसकी ना स्मेल काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, तो रेगुलर बेस पे ना चेंज करनी पड़ती थी मट्टी, और वो मिट्टी डालने भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि वो डब्बा फिर उसकी वजह से ना ज़्यादा मिट्टी की वजह से डब्बा हैवी काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, तो इसके लिए फिर मैंने ना यूट्यूब पर ये वीडियो देखी थी, एक दो बहनें थे उन्होंने कैट्स काफ़ी ज़्यादा रखी हुई थी, तो वो कह रही थी हम ये वाली बोर जो है ना लकड़ी का हम ये यूज़ करते हैं, तो इससे ये है कि स्मेल नहीं आती, तो मैंने कहा कोई चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ कोई नहीं, तो इतना एक्सपेंसिव तो नहीं थी, थैला मुझे पूरा मिल गया भर के। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अपना और अपने वालदैन का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, सी मानेगा।